आज भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर्स लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर्स यानी LCH मिल गए हैं। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 LCH हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया। LCH को प्रचंड नाम दिया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई ऑल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में सेना को घातक कॉम्बैट कैपेसिटी उपलब्ध कराना है। सेना से मिली जानकारी के अनुसार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गजब की चुस्ती फुर्ती गतिशीलता देखने को मिलेगी। ऊंचे स्थानों में वार करने के लिए इसका रेंज बढ़ाया गया है। यही नहीं, LCH सभी मौसम में हमला करने की तकनीक से लैस है। इसका मतलब ये है कि कोहरा बारिश जैसे मौसम की जटिलताओं से इसके मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेना का प्लान है कि वो अभी 95 हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर और खरीदेगी। इन्हें 7 यूनिटों में 7 पहाड़ी बेस पर तैनात किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी LCH में 2 लोग बैठ सकते हैं। 51.10 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 15.5 फीट है। इसका वजन 5,800 किलोग्राम है। ये 268 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। कॉम्बैट रेंज में 550 किलोमीटर है। ये एक बार में लगातार 3.25 घंटे उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से विकसित किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की जरूरत 1999 में करगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर 20 mm की M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL-2 गन लगा सकते हैं। 4 हार्ड पॉइंट्स में रॉकेट मिसाइल या बम फिट किए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देते हैं। इसके अलावा रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है, साथ ही शेफ और प्लेयर डिस्पेंसर भी हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ध्वस्त किया जा सके।